कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर में मंगलवार को 12वीं की परीक्षा आयोजित हुई, जिसे लेकर विद्यार्थियों में भय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं, बावजूद उसके महामारी का भय विद्यार्थियों सहित उनके परिजनों को भी सता रहा है। हम आपको बता दें कि संक्रमित बीमारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है, जिसके चलते स्कूली बच्चों की परीक्षा निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद एक बार पुनः परीक्षा शुरू होने पर विद्यार्थियों को बीमारी का डर लगा हुआ है, लिहाजा माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश अनुसार मंगलवार को बच्चे परीक्षा सेंटर पर पहुँचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिले के 90 परीक्षा केंद्रों पर 12वीं के तकरीबन 17,000 विद्यार्थी शामिल हुए और अपना पर्चा हल किया। मीडिया से रूबरू परीक्षार्थियों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में हमें भी जनरल प्रमोशन मिलना था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक स्थिति में परीक्षा हो जानी थी, लेकिन बढ़ते संक्रमण के इस दौर में परीक्षा होने से अब बच्चों के स्वास्थ्य सहित भविष्य की चिंता सता रही। केंद्र अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने बताया कोरोना को देखते हुए हमसे शासन के अनुरूप नियमों का पालन करवाया गया है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। परीक्षा है, किस तरह की परीक्षा, कितने बच्चे सम्मिलित हैं? मेरा नाम अर्चना गुप्ता है और मैं इस कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में केंद्राध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई है मेरी। और यहाँ पर 147 केमिस्ट्री का पेपर था और 147 बच्चे थे, दर्ज थे, जिसमें से 127 बच्चे प्रेजेंट थे, 20 एब्सेंट थे, 35 बच्चे बाहरी जिलों से आए। और हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था, सैनिटाइज़र वगैरह व्यवस्थाएँ की गई, दूरी भी बना के बच्चों को बिठाया गया है, स्वास्थ्य विभाग वाले भी उन्होंने चेकिंग की और पूरा अच्छे बच्चे पाए गए और अच्छी व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।